हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनु आकाश पॉजिटिव एटीट्यूड। और मैं हूं आपकी प्यारी सी फ्रेंड अनु। और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे हों और अपने साथ साथ अपनी फैमिली का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, आपको याद हो तो मैंने कुछ दिन पहले आपके साथ अपने मेमोरेबल मोमेंट शेयर किए थे, जिसकी एंडिंग मैंने अपने करवा चौथ की फ़ोटो से एंड करी थी। तो आज मैं आपके साथ अपनी करवा चौथ की, यानी फर्स्ट करवा चौथ की कुछ पिक्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको ये अच्छी लगी। और साथ ही साथ मैं अपनी फर्स्ट करवा चौथ के साथ साथ अपनी बेटी के फर्स्ट बर्थडे की पिक्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको ये सभी पिक्स अच्छी लगे और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने उस वीडियो का एंड जहाँ से किया था, आज मैं वहीं से अपने वीडियो की स्टार्टिंग कर रही हूँ। तो अभी मैंने करवा चौथ की पिक्स दिखाई थी फैमिली के साथ, और ये मेरे इन लॉज हैं, मेरे फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ। और इन्हीं के साथ ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने तीनों देवरों की पिक्स। तो यहाँ पर चारों भाई जो हैं वो एक साथ खड़े हैं, आप देख ही रहे हैं यहाँ पे। तो उस समय ये सब लोग कितने छोटे छोटे थे, और आज आप देखोगे तो सच में आप को बहुत अंतर लगेगा। और ये मेरे सबसे छोटे देवर तो ये बहुत ही चेंज हो गए हैं, और ये मेरे पहले नंबर के देवर हैं, और मैंने आपको इनका इंट्रोडक्शन पहले भी कराया है। ये दूसरे नंबर के देवर हैं मेरे, और ये सबसे छोटे और तीसरे नंबर के देवर हैं। ये उस समय 12 साल के थे जब मेरी शादी हुई थी। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैं आपको पिक शो कर रही हूँ, ये मेरी और आंकू के फर्स्ट करवा चौथ की पिक्स हैं। तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं आंकू कैसे लग रहे हैं, और इस समय इन्होंने अपना हेयर है वो बहुत ज़्यादा छोटा करवा लिया था, तो ये बहुत मुझे अजीब से लग रहे थे उस समय। तो ये हमारे फर्स्ट करवा चौथ की पिक हैं। आपको हम दोनों इस पिक में कैसे लग रहे हैं आप हमें ज़रूर बताना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप अपनी राय देना, और अपने जो भी आपको ये फ़ोटो देख के फर्स्ट जो भी आपको लगा आप वो चीज़ हमें ज़रूर शेयर करना। और यहाँ पर मैं और आपको हम दोनों मम्मी के यहाँ पर पैर छू रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख ही रहे हैं हम दोनों एक साथ आशीर्वाद ले रहे हैं। ये जल्दी से ही पहले इन सब चीज़ों को नहीं करते थे। शादी होने के बाद लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी बहुत सी चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर अब मम्मी हमें आशीर्वाद दे रही हैं, और उसके बाद फिर मैं आगे की पिक में मैं आपको शो कर रही हूँ कि यहाँ पर जब हम लोग जैसे जो भी सुहाग का चीज़ होता है वो अपने सासू माँ को देते हैं, तो उस समय हम उनके पैर छूते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। तो वो पिक मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी। और करवा चौथ वाले दिन हमारे यहाँ पर अपनी सासू माँ और ससुर जी को सुहाग का सामान दिया जाता है, और यहाँ पर मैं अपनी पतिदेव से आशीर्वाद ले रही हूँ। ये फर्स्ट करवा चौथ ही हमारी, हर करवा चौथ पर मैं इसी तरह से आशीर्वाद लेती हूँ, और मैं क्या सभी औरतें इसी तरह से आशीर्वाद लेती होंगी। और आप ही देख रहे हैं ये करवा चौथ के दिन ही जो पति है वो इस तरह से आशीर्वाद देते हैं, तो वो कुछ ज़्यादा ही खुश होते हैं। तो मैं जैसे बता ही रही थी आपको, तो यहाँ पर ये सुहाग का सामान है जो मैं अपने सास को दे रही हूँ। इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे सुहाग की जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, साड़ी, सिंदूर, बिछुए, चूड़ियाँ, मेहंदी और श्रृंगार का और भी बहुत सब सामान होता है, तो वही सब सामान मैं यहाँ पर अपने सासू माँ को दे रही हूँ। और आप देख ही रहे हैं कि फर्स्ट करवा चौथ थी तो एक्साइटमेंट कुछ अलग ही थी, और हर करवा चौथ पर अलग एक्साइटमेंट होती है, लेकिन जो फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है वो सबसे अलग होता है। तो यहाँ पर अब हम अपने ससुर जी के यहाँ पर पैर छू रहे हैं और उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। तो आप देख रहे हैं हमारे ससुर जी भी यहाँ पर कितने खुश हैं, वैसे भी वो हमेशा बहुत ज़्यादा खुशी रहते हैं अपने बच्चों से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपके साथ एक पिक और अपनी शेयर कर रही हूँ। ये उस समय पिक की पिक है जब मैं सिंगल थी और अनमैरिड थी। तो ये मेरे कॉलेज की पिक है। उस समय हमारे कॉलेज में कुछ फंक्शन था, तो वहाँ मैंने पार्टिसिपेट किया था। तो उस समय आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा डार्क मेकअप है। मैं इतना डार्क मेकअप नहीं करती हूँ, लेकिन ऑडिटोरियम में बहुत अंधेरा होता है, तो सबको मेकअप और लुक हाईलाइट हो, इसलिए इस तरह का डार्क मेकअप किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि औरतों में यानी लड़कियों में कितना चेंज आता है और उनको कितना चेंज होना पड़ता है।
और फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आपको पीहू के फर्स्ट होली की पिक शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर दीदी हैं, बबली दीदी, भूमि, लवली, मैं, कुणाल और पीहू हैं। यहाँ पर हम सब ने पहली होली पर ये पिक क्लिक करवाई थी। और ये जो पिक है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये है मेरी पहली अहोई की पिक। अहोई एक व्रत होता है जिसमें अपने बच्चों के लिए व्रत रखा जाता है। जैसे करवा चौथ का व्रत अपने हस्बैंड के लिए रखा जाता है, उसी के 5 दिन बाद अहोई का व्रत आता है जो कि अपने बच्चों के लिए रखा जाता है। तो ये पहले अहोई के व्रत के टाइम पे पीहू के साथ मेरी पिक है। और फ्रेंड्स जब हमने फर्स्ट टाइम पीहू का बर्थडे सेलिब्रेट किया था तो उसकी भी कुछ मेमोरी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आई होप कि आपको ये पिक्स भी बहुत अच्छी लगें। तो यहाँ पर ये पीहू का फर्स्ट बर्थडे केक था जो मैंने आपको शो किया। और ये पीहू की हैं अम्मा जी यानी दादी। तो आप देख ही रहे हैं कि वो उस समय कितने खुश हैं और वो पीहू को सच में प्यार करती हैं। और यहाँ पर ये पीहू अपनी दादी की गोद में है। और अब पीहू अपने बाबा जी और अम्मा जी यानी दादी यानी मेरे सास ससुर के साथ हैं। और ये उनके साथ उनके पिक हैं। उस समय बहुत प्रोग्राम किया था लेकिन सारी पिक्स हमारे पास नहीं हैं और सब लोग मेहमान चले गए थे लास्ट टाइम पे जब केक कटिंग हो रहा था। तो ये तभी की पिक है जो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पीहू के चाचा जी उसके साथ पिक क्लिक करवा रहे हैं। ये पीहू के फेवरेट चाचा जी थे यानी ये बहुत ज़्यादा पीहू को उस समय बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और आप यहाँ पर देख रहे हैं छोटे छोटे पैरों में पीहू ने छोटी छोटी सी पायल पहन रखी है और बहुत क्यूट लग रही है। पीहू 1 साल की थी लेकिन उससे पहले ही वो चलना सीख गई थी और बहुत ज़्यादा दौड़ भाग करती थी। आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ हम उसका केक कटिंग करवा रहे हैं लेकिन हम शुरू से ही उसके दादा दादी के साथ केक कटिंग करवाते हैं। लेकिन यहाँ मम्मी पापा ने ही बोला कि आप केक कटवाओ तो इसलिए हमने कटवा दिया। और ये है लवली, ये है भूमि, ये हैं हमारे कुणाल जी, और ये हैं हमारी बबली दीदी, और ये हैं पीहू, और ये सतीश जी। तो यहाँ पर इन सब ने भी इसके साथ पिक क्लिक करवाई है। और कुणाल और पीहू साथ साथ के हैं दोनों। और यहाँ पर पीहू अपनी बुआ जी के साथ फ़ोटो क्लिक करवा रही हैं। ये पीहू की बुआ जी हैं। पीहू की 3 बुआ हैं लेकिन एक ही ज़्यादा आती हैं। और ये है मेरी मामी यानी मेरी खुद की मामी और पीहू की नानी जी। और ये भी पीहू को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे क्योंकि पीहू की हरकतें भी कुछ ऐसी ही थी। और ये हैं पीहू के बड़े दादा दादी यानी जो मेरे ससुर जी हैं उनके बड़े भाई और भाभी। और उसी के साथ मैंने यहाँ पर कुछ और पिक भी आपके साथ शेयर करी है। आई होप कि आपको बुरा ना लगे कि मैंने इतनी सारी पिक यहाँ पर आपके साथ शेयर कर दी हैं। तो ये पिक तब की हैं जब हम लोग घूमने के लिए गए थे और हम लोग ताजमहल घूमने गए थे। तो ये तब की पिक हैं जो मैं यहाँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और भी जहाँ जहाँ हम घूमने गए थे कुछ कुछ यादें हैं जो मैंने आपके साथ यहाँ शेयर करी हैं। तो ये है जब लोग हम राम मंदिर के लिए गए थे तो हमारी पूरी फैमिली गई थी साथ में। तो यहाँ पर पीहू के पापा फोटो क्लिक कर रहे थे शायद या कहीं गए थे तो वो इस फोटो में नहीं है लेकिन हम सब साथ में थे। तो यहाँ पर ये राम झूला है और उसके पास की ये पिक हैं। और उस समय हम लोग घूमने के लिए ही निकले थे तो हम यहाँ पर गए हैं। ये है कैम्प्टी फॉल। काफ़ी लोगों ने सुना होगा कैम्प्टी फॉल के बारे में और काफ़ी लोग गए भी होंगे। तो यहाँ की ये पिक हैं जो हमने यहाँ पर क्लिक करवाई हैं। तो ये भी कुछ मोमेंट थे, बहुत ख़ास मोमेंट जो मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर किए हैं। और हम दोनों ही बहुत शाय हैं, हम इतने ज़्यादा वो नहीं थे। तो इस पिक को क्लिक करवाते समय हमें बहुत अजीब भी लग रहा था। तो आप देख ही रहे हैं बहुत कम मुस्कुराते हैं। तो कुछ कुछ पिक्स में जहाँ ही मुस्कुराए हैं वही मैंने आपके साथ शेयर करी हैं।
और उसके बाद हम एक दिन गए थे इंडिया गेट, तो वहाँ इंडिया गेट की कुछ पिक्स भी मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। ऐसे तो हम कई जगह घूमने गए हैं लेकिन हर जगह की पिक क्लिक नहीं करी गई थी, तो जो जो पिक क्लिक करी गई है वही मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर करी हैं। तो यहाँ पर हम इंडिया गेट गए थे, उस समय पीहू या देवांश में किसी का बर्थडे था तो हम घूमने के लिए गए थे। इस समय हमने इंडिया गेट पे काफ़ी फ़ोन किया था और बहुत अच्छा लगा था हमें वहाँ पे, और बच्चों ने भी काफ़ी इन्जॉयमेंट किया था। अब इन सब पिक्स को देख के वो मेमोरेबल मोमेंट हमें याद आ जाते हैं। सच में कुछ चीज़ें कुदरत की हमें ऐसी दी गई हैं, लेकिन जब वो हमारे पास होती हैं तब हमें उनका एहसास नहीं होता, और जब वो हमारे पास नहीं होती तब हमें उस चीज़ों का एहसास होता है। आज हम चाह कर भी नहीं जा सकते हैं, अगर हम जाएंगे भी तो कहीं ना कहीं डर लगा ही रहता है, आपको पता ही है। और उस समय हम कितना ओपन माइंडेड होकर बिल्कुल फ्री टेंशन से दूर होके बहुत आराम से वहाँ पर घूमते थे, आज कहीं ना कहीं हमारे मन में कोई ना कोई डर लगा ही रहता है। तो ये हम दोनों की पिक हैं इंडिया गेट की। नाइट में हमने वहाँ पर काफ़ी चीज़ों को खाया था, काफ़ी राइड करी थी, और भी जगह कहीं घूमने गए थे, तो वो सब बहुत मेमोरेबल मोमेंट हैं जो मैं आपके साथ यहाँ पर मैंने शेयर करे हैं। आई होप कि आपको ये अच्छा लगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही मैं आज के इस वीडियो का करती हूँ एंड, और आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, और अगर किसी ने फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विज़िट किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी हिट ज़रूर कर देना ताकि आपको मेरे सभी नए वीडियो और ब्लॉग की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।